दिख रहा है आपको, नींद एकदम चमक रहा है, थोड़े से कुछ उसका रस नीचे भी गिर गया प्लेट में, अगर चाहे तो फिर से एक बार काट लीजिए। अब काटने के बाद में जो 1/4 पार्ट है उस नींद को, चाकू को रख दीजिए और वो 1/4 पार्ट को अपने राइट हैंड में ले लीजिए, और वो जो नींबू है वो नींबू लेके अब आप आपके मुंह के पास लाइए, और मुंह के पास लाने के बाद मुंह खोलिए और आपकी जीभ बाहर निकालिए और उस पर अभी नींबू निचोड़िए, डालो पूरा पूरा, देखो देखो कैसा एकदम खट्टा खट्टा लग रहा है आपको, आंखें नहीं खोलना, पूरा टेस्ट लीजिए, देखो कैसा लग रहा है खट्टा एकदम। चाहे तो एक बार फिर से डालते हैं, एक बार फिर से प्रेस करते हैं, देखो पूरा रस गिर रहा है उसके ऊपर, एकदम खट्टा खट्टा लग रहा है, नींबू की टेस्ट लीजिए, देखिए आपके मुंह में कितना खट्टा खट्टा उत्पन्न आ गया। आप उस नींबू को रख दीजिए, निचोड़ा हुआ नींबू वहीं पे डाल दीजिए, वापस अपने हॉल में आ जाइए, अपने जूते चप्पल पहन लीजिए, अपनी बैग ले लीजिए, अपनी गाड़ी के पास आ जाइए, गाड़ी को बाहर निकालिए, और बाहर निकाल के एक एक स्क्वायर क्रॉस करते करते अपने ट्रेनिंग सेंटर पे आ जाइए। जैसे जैसे आप आ रहे हैं आपको दिखेंगे आपके दोस्त भी आ रहे हैं, फिर से उनको हाय बाय करते करते अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी रखी, और गाड़ी रखने के बाद सब दोस्तों के साथ एक एक स्टेप लेके ऊपर आना शुरू कर दीजिए, ऊपर आ जाइए, अंदर आ जाइए, और अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाइए, और आराम से आंखें खोलिए। क्या आपको नींबू का टेस्ट आया? है कि नहीं है ना, मुंह में पानी। क्या आपने नींबू खाया? पर दिमाग को वही मैसेज मिला और दिमाग ने वैसा ही रिजल्ट दिया जैसा कि खट्टा नींबू खाने से मिलता है। कहने का मतलब क्या है, आपके दिमाग को नहीं समझता है कि सच क्या है झूठ क्या है, जो आप बोलते हैं वो मान लेता है और अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू कर देता है। और इसीलिए अगर आप बोलोगे कि आई एम वेरी हैप्पी हेल्दी हेल्दी एज अ वाइज मैन, यू विल स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट। जो आप बनना चाहते हो लाइफ में वो आप बनोगे, बिकॉज योर ब्रेन इज जीडीएस, गोल ड्रिवन सक्सेस मशीन। लास्ट 2-3 पॉइंट एंड देन विल स्टॉप। ऐसा जब आप करते जाओगे तो क्या होगा, आपके अपने बारे में की इमेज चेंज होगी। हम जब किसी से भी मिलते हैं ना तो क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक इमेज पैदा होती है कि आदमी कैसा है, अच्छा है बुरा है। जो जैसा हमारे दूसरों के प्रति इमेज पैदा होती वैसे हमारे अपने प्रति भी इमेज पैदा होती कि मैं कैसा हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना स्ट्रांग हूँ, कितना कॉन्फिडेंट हूँ। जब हम पॉजिटिव सजेशन देना शुरू कर देते हैं तो हमारी इमेज पॉजिटिव बनने लगती है, एंड अ स्ट्रांग एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज इज द बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को कभी कम नहीं समझते। आप भी मत समझो, अपनी इमेज सुधारो, और जब आपकी सेल्फ इमेज सुधर जाएगी तो क्या होगा, तो ये होगा, आप बिल्ली भी होके ना आप शेर बनो। आज हमको शेर की जरूरत है, बिल्ली की। अगर ऐसा करोगे तो नेचुरली यू विल बिकम कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू विल बिकम हैप्पी पर्सन। थैंक यू वेरी मच। I will break for 15 minutes and then we ये तो करती है, बिकॉज़ हर बॉडी शुड बी
प्रोग्राम करते हम लोग जो है जो इट इज जस्ट की मदर इज ऑल्सो फ्री ऑफ टेंशन एंड नाउ वी आर कंडक्टिंग गर्भ संस्कार सो दैट टू मेक नॉट ओनली द मदर फैमिली सो दे ऑल आर टूगेदर बिकॉज दे आर दिस प्राइवेट वन दिस इज दिस लेडी है प्रेग्नेंट उसकी मदर जो है शी इज शी हैज सर्वाइवल हेल्थ प्रेगनेंसी नाउ शी इज ऑल्सो टेंशन मेरी बच्ची का क्या हो गया सो टू मेक एवरीबडी पैसे के लिए करते हैं I definitely agree with that, but it is not only for the money. It is for the आज की लड़की जो है late marriages है late marriages का she is not in a position to accept the level pay. Not even her mother also accepts. कि मतलब बच्ची को पहले कर दो. But we don't do that for. We are not telling epidural anesthesia which can prevent she can bear the pain with epidural anesthesia. They should be able to have to pay for that epidural anesthesia. And there are some other causes where the baby is at the last stage, which is where oxygen कम हो रहा है या कुछ हो गया. So we don't want to lose the baby and mother. So it is cord हो रहा है कभी कुछ नहीं हो. There are so many reasons. And that is where the now पहले जब she the woman gets pregnant 10 times and how many babies she had only 2 or 3. She used to lose during her pregnancy. Now we don't want any. Our aim is to take every woman, every pregnant woman as a healthy mother and mother child. It's our motto. So please don't make it happen. Because, you know, people think in that way. There will be utter such things. It is in that, yeah, we have to take care of them. So that is not the way. So please, take it out from your way. It is not bad medical practice, don't worry. But, you know, doctor ke baare mein logon ki bahut galat ye hai ki जब ये होता है अभी फीस के लिए आप यू नेवर से कि लॉयर 5 मिनट खड़े होने के लिए भी इतने 5 लाख लेता है नोबडी से बट डॉक्टर ने अगर 500 रुपये मांगे तो आप लोगों का चैलेंज चल रहा है आप लोगों के नहीं चल रहा तो फीस मेरी तरह से प्रोफेशनल से नहीं करना अधिक मुझे बताऊँ है ना मैम अगर वॉशरूम वगैरह जाना तो आम है कुछ चाय बाय है क्या पीछे अपने टी ब्रेक के साथ नीलम है क्या टी ब्रेक है क्या एक्चुअली मैम स्टार्टिंग में लोग तो फिर मैं नहीं जाती ना बाहर मुझे स्टार्टिंग में कब कर दिए ना स्टार्टिंग पूरे कमरे में बोलो आपको
ठीक है ना, आपने सभी के लिए कुछ किया, अभी आप सभी भी किसी को नहीं हो पाएगा ना।
नहीं हो पाएगा वो इतना, क्योंकि आपने पहले कंसेंट नहीं लिया था, मतलब कि आपको पता चल गया था पहले कंसेंट भी नहीं लिया। आपको कंसर्न है कि ट्रांसफर आपका जब ट्रांसफर को भी पता है कि आपका ट्रांसफर होने वाला है, और आपको मेल पे क्लियर सर्विस दिया था नहीं नहीं हमारा कोई पॉलिसी नहीं है। आप जरा प्रॉपर वे में बात कर, आप देखिए आपने रिजाइन किया है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर सही नहीं, आप ऑफिस की बात कर, मैंने आपको वही बताया, आपने किसी को भी नहीं दिया, हमने आपको बोला था कि आपका सर्टिफिकेट का होगा, क्या आपने एज्यूम कर दिया, आपने कंसेंट कर दिया, आपने एज्यूम कर दिया क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं आपने एज्यूम क्यों किया है, आपने कंसेंट लेना चाहिए था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको बोला था कि आप ट्रेड ला रही हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है आपको जो बोला आपको ठीक है, आप बातें बात करिए, ठीक है।
Thank you.
9 साल का लड़का है, वो एक बड़े से शहर में रहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और एक दिन उसके डैडी जब ऑफिस से घर आते रहते तो उनका एक्सीडेंट हो जाता और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती। अनफॉर्चुनेटली ये जो लड़का है इसकी मम्मी बीमार है, और क्योंकि घर का आदमी जो कमाने वाला पर्सन है उसी की डेथ हो गई और दूसरा कोई कमाई वाला नहीं है, तो उसकी मम्मी को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाता, एंड विद इन फ्यू मंथ्स शी ऑल्सो डाइज, एंड नाउ दिस बॉय इज ऑल अलोन। इसके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके मम्मी डैडी एक दूसरी कंट्री से इमिग्रेट होकर उस देश में आए थे, उस शहर में आए थे, तो कोई सोशल हेल्प मतलब सोसाइटी की हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है, फैमिली की कोई हेल्प नहीं, तो ही हैज बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीट चाइल्ड और स्ट्रीट चिल्ड्रन। और अपने सर्वाइवल के लिए वो छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि बूट पॉलिश करना, न्यूज़पेपर बेचना या कार वॉशिंग करना, एंड समहाउ ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव। ऐसे बच्चे आपने देखे जिनको हम स्ट्रीट चिल्ड्रन बोलते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले बेचारे जीने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बार मुंबई गया था और अपना काम निपटा के जब हम वापस आ रहे थे तो स्टेशन पे आए, वीटी स्टेशन पे, शाम का समय था, 7:30 बजे हो गए, हमारे ट्रेन को थोड़ा टाइम था, तो मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स थे मैंने उनको बोला कि यार अपन खाना खा लेते, हमारे पास टिफिन था, हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद मेरी आदत है कि थोड़ा सा वॉक करूँ, तो मैंने उनको बोला अपनी ट्रेन का टाइम है, मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे आ गया और स्टेशन से बाहर निकल के थोड़ा सा सामने गया होगा कि अचानक मुझे बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई,
तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे करीब करीब 40-50 बच्चे जमा हुए थे और सारे के सारे बच्चे 9 से 12 साल 13 साल के बीच में थे और दो वो बच्चे जो थे वो दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे. इनफैक्ट दे वर डिवाइडेड इनटू टू गैंग्स और दोनों का झगड़ा चल रहा था. दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे और इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मेरा पूरा ध्यान उनके तरफ था. अब मैं दूर से देख रहा था, मेरा था ठीक से दिख नहीं रहा था, बस आवाज सुन आ रही थी. तो थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, वो झगड़ा इतना बढ़ गया तो एक दूसरे को मारा मारी पे आ गया. और जब मारा मारी शुरू हुई तो उससे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि अपन जाके उनको बता देते हैं. तो मैं सामने जाने लगा. जैसे मैं सामने जा रहा था तो मेरे बाजू में एक वो फ्रूट चाट बेचने वाला एक वेंडर था, आपने देखा वो रास्ते पे बेचते हैं, उसने कहा अच्छा मेरा हाथ पकड़ दो साहब आप मत जाओ. बोला वो बच्चे मारा मारी कर रहे. मैंने बोला आपको नहीं मालूम वो खतरनाक बच्चे हैं, हो सकता है उनमें से किसी के पास चाकू चूरा हो आपको मार देंगे. जब उसने ऐसा बोला तो मैं एकदम डर गया. ये रोज ही झगड़ा होता है ऐसा. और फिर मैं उन बच्चों को ध्यान से देखा तब मुझे दिखा कि उसमें से कई सारे बच्चे स्मोकिंग कर रहे थे. बिल्कुल उनकी सिर्फ आंखें चमक रही थी और लाल लाल सिगरेट का दिखा. अब दे दो सबको दे दो, तू बाद में डिस्टर्ब मत करो. मैं उनको देख ही रहा था कि वो झगड़ा जोर जोर से चल रहा है कि इतने में वहाँ पे पुलिस की 2-3 गाड़ी आई. उनके वो सायरन बजता है, जोर से सायरन बजा और जैसे वो पुलिस की गाड़ी आई ये बच्चे भागने लगे. कुछ को पुलिस ने पकड़ा, कुछ भाग गए. अब फिर वो जो वेंडर था वो बोले ये रास्ते पे के बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं, दीज आर ऑल स्ट्रीट चिल्ड्रन. तो वैसा ही है कि बच्चा था स्ट्रीट चाइल्ड था. मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बच्चा बड़े होके क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा? जनरली ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका फ्यूचर क्या होता है? हम देखते हैं ऐसे बच्चे जनरली क्या बनते हैं? क्रिमिनल बनेगा और कुछ तो चोर बनेगा या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी करेगा यार, छोटा मोटा काम धंधा करेगा. बराबर अच्छा गॉडफादर मिला तो अच्छा भी बनता है. अच्छा गॉडफादर मिला तो अच्छा भी बनता. एक दूसरा लड़का है वो 18 साल का है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत होशियार है. उसकी एक गर्लफ्रेंड है. एक दिन वो दोनों डिसाइड करते कि मूवी देख लेते. तो जब मूवी देखने जाते शाम को मूवी देखने का प्रोग्राम रहता और दोपहर को अचानक उसके सर में बहुत दर्द हो गया. तो वो सोचता है कि यार मैं डॉक्टर को दिखा दूँ क्योंकि बाद में मूवी में एंजॉय करने नहीं मिलेगा. डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देता है, बोलते कुछ टेस्ट कर लो ठीक हो जाओगे. वो दवाई लेता है, उसको ठीक लगता है. उसके बाद में वो जब मूवी देखने जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है यार आज सुबह मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था. तो क्या किया फिर उसने, डॉक्टर को दिखाया, उसमें दवाई दी, कुछ रिपोर्ट टेस्ट वगैरह करने के लिए बोला. बोले टेस्ट कर ली क्या? बोले नहीं वो कर लेंगे बाद में. ठीक है. दो दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड को बोला था कि वो टेस्ट की क्या? बोले नहीं अभी नहीं. अरे बोले कर लो, डॉक्टर ने बोला है तो कर लो. ठीक है कर लो. जाता है टेस्ट कराता है, 2-3 दिन और जाता है, फिर उसको याद आता है, वो रिपोर्ट लेता है डॉक्टर के पास. डॉक्टर के सामने बैठा है यंग लड़का 18 साल का. डॉक्टर वो रिपोर्ट लेता है, वो ऐसा डॉक्टर चेक कर रहा है. चेक करते करते अचानक डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते और डॉक्टर बहुत सीरियस हो जाते हैं. तो इसका ध्यान जाता है तो डॉक्टर क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर 2 मिनट कुछ बोलता नहीं, चुपचाप रहता है. उसके बाद में डॉक्टर बोलता है पता नहीं तुमको कैसे बताऊँ, तो बताना तो पड़ेगा क्योंकि हमें डॉक्टर यूर पेशेंट इन पेशेंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. हाँ हाँ बताइए. बोले यू आर सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज एंड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज यू विल स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर योर बॉडी.
सो जिसके वजह से आप चलना फिरना आपका बंद हो जाएगा, आप हाथ भी नहीं चला पाओगे, पाँव भी नहीं चला पाओगे, यहाँ तक कि आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाएंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली देर इज नो मेडिसिन फॉर दिस डिजीज. एंड यूजुअली इन दिस डिजीज पीपल डाई.